भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और गोंडा के कैसरगंज से पूर्व भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह अपने बेटे करण भूषण सिंह की कैसरगंज लोकसभा सीट से जीत के बाद लगातार अपने आवास पर लोगों से मुलाकात कर समर्थन के लिए धन्यवाद दे रहे हैं। साथ ही क्षेत्र की जनता द्वारा ब्रजभूषण शरण सिंह को माला पहनाकर बधाई भी दी जा रही है। संविधान और आरक्षण बनाम 400 पार नारे के बीच 2024 में लड़े गए लोकसभा चुनाव के नतीजे न सिर्फ दिलचस्प हैं बल्कि कई सियासी समीकरणों को भी धराशायी कर दिया है। पूरे देश में जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने एनडीए को टक्कर दी उसकी भी खूब चर्चा हो रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ वाराणसी का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके अलावा 11 मंत्री उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़े लेकिन 7 हार गए। तमाम उठापटक के बावजूद बीजेपी और उसके सहयोगी महज 36 सीट जीत पाए, जबकि सपा और कांग्रेस ने मिलकर 43 और एक सीट चंद्रशेखर आजाद ने जीता है। इतना ही नहीं, बीजेपी उन सीटों को भी नहीं बचा पाई जो उनके लिए सबसे ज्यादा मुफीद थी। इसमें सबसे पहला नाम आता है अयोध्या का। बीजेपी की सरकार में न सिर्फ राम मंदिर बना बल्कि विकास की नई योजनाएं भी धरातल पर दिखी। अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लेकर वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन, चौड़ी सड़कें, शहरों का सौंदर्यीकरण के अलावा भव्य और नव्य अयोध्या बसाने का प्लान, नए होटलों और इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। इसके बावजूद बीजेपी अयोध्या और फैजाबाद लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली सभी 5 विधानसभाओं में बीजेपी औंधे मुँह गिर गई और सपा के अवधेश प्रताप ने बीजेपी के लल्लू सिंह को ना सिर्फ चारों खाने चित कर दिया बल्कि यह भी बता दिया कि विकास अपनी जगह है लेकिन जातिगत समीकरण भी बहुत मायने रखता है। उदाहरण अयोध्या ही नहीं एटा है, जहां से कल्याण सिंह खानदान के राजवीर सिंह हार गए। कल्याण सिंह ने राम मंदिर के लिए सत्ता का त्याग कर दिया था। इन लोकसभा चुनाव में बीजेपी के कैसरगंज से सांसद रहे ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर भी विपक्ष हमलावर रहा और महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण के मामले भी उनके खिलाफ दिल्ली के कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है। ब्रजभूषण शरण के खिलाफ आरोप लगने के बाद से ही बीजेपी बैकफुट पर दिखी, न समर्थन कर पाई और न ही विरोध। हालांकि ब्रजभूषण ने खुद चुनाव न लड़कर अपने बेटे को लड़वाया लेकिन सिर्फ कैसरगंज को बचाने में वे बीजेपी के लिए प्रचार नहीं कर पाए। आलम यह रहा कि गोंडा, कैसरगंज, बहराइच, मिश्री, हरदोई तो बीजेपी जीत गई लेकिन अयोध्या, बाराबंकी, अम्बेडकर नगर, श्रावस्ती, बस्ती, अमेठी, सुल्तानपुर, रायबरेली तक उनका ना पहुंच पाना बीजेपी के लिए बड़ा झटका था। भाजपा के पूर्व सांसद और पूर्व कुश्ती संघ अध्यक्ष ने लोकसभा चुनाव के बाद कहा कि मोदी और भाजपा का कोई विकल्प नहीं है। वही भाजपा में भी मोदी का अब तक कोई विकल्प नहीं है। विपक्ष पर हमलावर होते हुए उन्होंने कहा कि उनके पास कोई चेहरा नहीं है और ना ही अभी तक उन्होंने कोई नेता तय किया है। नेता चुनने में ही सिर फुटव्वल होगी। वहीं ब्रजभूषण ने सीटों और जीत का अंतर कम होने पर कहा कि इसको लेकर समीक्षा होनी चाहिए। 24x7 लाइव टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सबसे पहले मैं देवीपाटन मंडल की जनता को बधाई देना चाहता हूँ क्योंकि देवीपाटन मंडल राम जन्मभूमि आंदोलन से सदैव जुड़ा रहा और इस समय भी देवीपाटन मंडल की जनता ने 4 में से 3 सीट दे करके ये साबित कर दिया कि ये राम के भक्त हैं, अयोध्या से जुड़े हैं, अयोध्या से पुराना नाता है और भारतीय जनता पार्टी के झोली में से 4 में 3। इसलिए देवीपाटन मंडल की जनता को बधाई है, कैसरगंज की जनता को बधाई है और 6 बार मैं स्वयं, 1 बार मेरी पत्नी, बेटा विधायक, फिर बेटा सांसद, ये सब पूरे देवीपाटन मंडल की जनता का आशीर्वाद का परिणाम है। देखिए, हम राम के भक्त हैं। देवीपाटन मंडल का सबसे ज्यादा, देश के अंदर सबसे अधिक लगाव अगर अयोध्या से है, हनुमान जी से है, राम से है, शिव से है तो देवीपाटन मंडल। हमने सलाह दे दिया है और वो सलाह बिल्कुल अमल पर है और पूरे आज तक जितने भी प्रत्याशी चुनाव लड़े हैं, करण भूषण सिंह एक ऐसे प्रत्याशी हैं कि एक दिन उनका शेड्यूल आराम का नहीं है, वोट पड़ने से लेकर के और कल तक वो चल ही रहे हैं, आज भी कहीं चलेंगे। जनता और नेता के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, जिसको भली भांति निभा रहे हैं। हम कहते हैं देश में कोई सांसद नहीं होगा जो लगातार अपने क्षेत्र में चल रहा हो।
और ये नहीं कि कोई उत्सव मना रहे हैं। नहीं देखिए आप अंतर, तो मैं कहूँ बनारस क्यों कम हो गया, मैं कहूँ लखनऊ क्यों कम हो गया, तो कम तो हुआ ना, ये समीक्षा होगी क्यों कम हुआ। लेकिन जहां 37 सीट समाजवादी पार्टी जीत रही है, वहीं पर 3 सीट देवीपाटन मंडल से अकेले भारतीय जनता पार्टी के लिए निकल रही है, तो ये समीक्षा का विषय नहीं है। रोशन सिंह यही कर रहे हैं, लोगों से आगे मिल क्या रहे हैं, होगा? लोगों से मिल रहे हैं, मिलेंगे। हमारे पास बहुत काम है, जैसे बच्चों के लिए हम करियर काउंसलिंग का काम करते हैं, स्वास्थ्य के संबंध में काम करते हैं, वृक्षारोपण के संबंध में काम करते हैं, खेल कूद के संबंध में काम करते हैं। हम खाली कहाँ है, हमारे पास बहुत काम है। मोदी जी वर्तमान में ना, मोदी जी, अच्छा आप उसके अलावा लगातार कोई विकल्प ही नहीं है। देखिए विपक्ष को मालूम नहीं था कि इतनी सीटें हमको मिल रही, मालूम नहीं था कि इतनी सीटें हमको मिल रही, क्यों मिली है ये समीक्षा का विषय है, ये समीक्षा का विषय है। लेकिन मोदी का विकल्प अभी नहीं है किसी के पास, और ना भारतीय जनता पार्टी का विकल्प है, दुर्भाग्य होगा वो। ये अभी तक इनका नेता ही निश्चित नहीं है, नेता मैं पहले से कह रहा हूं, ये नेता चयन में ही सरपटौल हो जाएगी इनकी, नेता चयन में सरपटौल हो जाएगी। देखिए अरे कल तो मंत्री मैं पहले कह रहा हूं, इनकी अगर प्रधानमंत्री कोई बन जाता है, प्रधानमंत्री की बात गृह मंत्री नहीं मानेगा, प्रधानमंत्री के बाद वित्त मंत्री नहीं मानेगा, पहले तो इसी के लिए मार होगी कि बनेगा कौन, तो ये देश का दुर्भाग्य होगा। अभी इसके लिए विपक्ष तैयार नहीं है, उनको परिपक्व होने की जरूरत है। जनता ने बहुत ज्यादा दे दिया, वही मजबूत विपक्ष का ही निभावें, और कोई रास्ता नहीं है, वही निभावें और अच्छे से निभावें, थोड़ा ठीक ठाक निभावें, देश को जरूरत है मजबूत विपक्ष की।